गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9, चैप्टर नंबर 9, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। तो इसका कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं। 8.2 जो है वो ओमिट है, पर मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले मैं ये पढ़ा लूँ, उसके बाद मैं आपको 8.2 के सारे क्वेश्चन समझाऊंगी। पहले हम ले लेते हैं चैप्टर नंबर 9, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। तो उसका कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं, इसलिए आपको जो है इजी पड़ जाए, बराबर। इसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें ओमिट है, पर मैं सब पढ़ाऊंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको तो इजी पड़े, इसलिए। अब देखो, हमारे पास मैंने यहाँ एक फिगर बनाया है जो है पैरेललोग्राम ABCD, बराबर, और एक ट्राइंगल बनाया है AFB, बराबर। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है कि ये जो है एक ही बेस पर बने हुए हैं, बराबर। यानी पैरेललोग्राम का बेस भी AB है और ट्राइंगल का बेस भी AB है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, AB, और हमारी परपेंडिकुलर हाइट क्या है, तो FE, बराबर ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं AB मल्टीप्लाई FE। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, बराबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा, AFB जो है वो हमारा ट्राइंगल है। अब इसका भी बेस क्या है भाई, तो इसका भी बेस AB है और परपेंडिकुलर हाइट AFE है, बराबर ना। तो इसका फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई AB, बेस जो है हमारा AB है, और मल्टीप्लाई FE, बराबर। अब हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कभी इन दोनों में कंपैरिजन आए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, बराबर ना। बेस सेम होता है, बराबर। बेस इक्वल टू सेम परपेंडिकुलर लाइन के बीच में बने हुए ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों जो है वो सेम होते हैं। यानी ये पैरेललोग्राम जो है वो हाफ पैरेललोग्राम जो है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर होगा, बराबर। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हाफ पैरेललोग्राम के बराबर होगा, इन शॉर्ट ऐसा बोले तो भी चलता है, बराबर। कि हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, बराबर। यानी आधा पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर है, बराबर ना। तो ये देखो क्यों है भाई, कि दोनों का जो बेस है वो सेम है और परपेंडिकुलर हाइट सेम है, इसलिए। एक्सरसाइज 9.1 इसी पर बेस है। आपको यही देखना है, सिर्फ यस और नो में ही जवाब देना है कि किसके बेस और परपेंडिकुलर हाइट जो है वो सेम है। उसमें आपको यस और नो में ही जवाब देना है, बराबर। आपको यही देना है, यही बताना है, दो फिगर बताए हुए हैं उसमें से आपको यही बताना है कि कौन सा जो है वो हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है ट्राइंगल से, बराबर। तो ये जो है हमारा कंसेप्ट इसमें पूरा हुआ है।